क्या आपको पता है आपका आधार कार्ड अब आपकी जिंदगी का आधार बन चुका है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आधार के बिना शायद ही कोई काम हो। यहाँ तक कि आप दिन रात जिस मोबाइल फोन से अपना हर एक छोटा बड़ा काम करते हैं वो भी आधार के बिना निराधार हो जाएगा। इतना ही नहीं, आप जिस पेमेंट ऐप से सेकेंडों में लाला की दुकान या किसी सुपर मार्केट में पेमेंट करते हैं वो भी आधार के बिना अधूरा है। इसकी वजह है पेमेंट ऐप से जुड़ा बैंक खाता अगर आधार से लिंक ना हो तो वो नहीं चलेगा। इन सभी बातों से आप समझ सकते हैं कि आपका आधार आज कितना खास हो चुका है। अब ऐसे में सवाल है कि जब सारे काम आधार से हो रहे हैं तो इसमें फ्रॉड की भी गुंजाइश होगी। जी हाँ, आधार से पेमेंट का फ्रॉड अब आम बात है, जिस पर आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूँ संदर्शका अवस्थी और आप देख रहे हैं किसान तक। ऑनलाइन पेमेंट की दुनिया में आपको आए दिन ऐसी खबरें सुनने में आती हैं कि किसी का पैसा बैंक से गायब हो गया जबकि उसने पेमेंट भी नहीं किया था। ऐसी शिकायतें अब धड़ल्ले से हो रही हैं, तो फिर हमें क्यों नहीं चौकन्ना रहना चाहिए। बैंक से लेकर सरकारी और प्राइवेट एजेंसियां यही बात दोहरा रही हैं कि भाई सारा काम छोड़ो और पहले अपने आधार को लॉक करो। आधार को सुरक्षित नहीं किया तो झटके में आपकी सारी कमाई गायब हो जाएगी। तो आपको भी इसी हिदायत पर फोकस करना है और तुरंत आधार को सुरक्षित करना है। दरअसल आधार से जुड़े फ्रॉड गंभीर साइबर फ्रॉड की लिस्ट में आते हैं, जिसमें देखते देखते पूरा बैंक खाता खाली हो सकता है। इसमें साइबर अपराधी आपके आधार की बायोमेट्रिक्स डिटेल्स चुरा कर उससे धोखाधड़ी करते हैं। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप आधार की बायोमेट्रिक्स डिटेल्स को सुरक्षित करें। इसके लिए आपको डिटेल लॉक करनी होगी। इस काम के लिए आपको मोबाइल आधार ऐप डाउनलोड करना होगा। इस ऐप की मदद से आप आधार की डिटेल को लॉक कर सकते हैं, ऐसा लॉक कि कोई साइबर फ्रॉड उसे खोल नहीं पाएगा। आइए जानते हैं कि आधार ऐप पर बायोमेट्रिक डिटेल्स को कैसे करना है लॉक। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर या iOS से एम आधार ऐप को डाउनलोड करना है। इसके बाद ऐप में रजिस्टर माई आधार कार्ड बटन पर क्लिक करना है। ये आपको ऐप के ठीक ऊपर मिलेगा। यहाँ आपको 4 अंकों का पासवर्ड बनाना होगा। इसके बाद आपसे आधार नंबर और सिक्योरिटी कैप्चा डालने के लिए कहा जाएगा। इतना करने के बाद आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। ध्यान रखें कि फोन अगर डबल सिम वाला है तो आधार इनेबल सिम पर ही OTP जाएगा। आप जैसे ही OTP डालेंगे आपका आधार खाता खुल जाएगा। इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करें और बायोमेट्रिक्स लॉक पर क्लिक करें। अब दोबारा सिक्योरिटी कैप्चा दर्ज करें, फिर OTP कन्फर्म करें। एक बार OTP वेरीफाई हो जाने के बाद आपकी बायोमेट्रिक्स डिटेल्स लॉक हो जाएगी। यानी इन 9 स्टेप से आपका आधार लॉक हो जाएगा और इसी के साथ आपका रुपया पैसा भी लॉक हो जाएगा, जिस पर साइबर चोरों की निगाहें लगी रहती हैं। फिर देर किस बात की, तुरंत इन 9 स्टेप्स को अप्लाई करें और सुरक्षित करें अपनी गाड़ी कमाई। ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहें किसान तक।